हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल सखी क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं साधना सिंह एक प्यारा सा स्वेटर का डिज़ाइन लेके आई हूँ, जिसका कि डिज़ाइन हमने पहले ही प्लेलिस्ट में डाल दिया है। और इस बार हमने इसको दो कलर में बनाया है। अगर आपको दो कलर में बनाना है तो वो भी मैं वीडियो डाल दूँगी, मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि। और ये हमने बेबी स्वेटर के सारे भाग बनाए हैं, उसको आज मैं बना के ले आई हूँ। वो आज मैं आपको बनाना बताऊँगी ये किस तरीके से बनेगा। दोस्तों, इससे कि पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एंकर बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि वीडियो का न्यू अपडेट आपके पास सबसे पहले मिले, और शेयर करना ना भूलें। तो आइए इस बेबी स्वेटर को बनाते हैं कि ये किस तरीके से बनेगा। दोस्तों, ये बहुत ही प्यारा और खूबसूरत डिज़ाइन है और इसको आप आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए, हमने पीछे का ये भाग बनाया है। तो हम इसमें हमने 75 फंदे और दो फंदे और एक्स्ट्रा लिए हैं, यानी 75, 76, 77 फंदे इसमें हमने रखे हैं। और यहाँ पे इसकी जो लंबाई है, हमने 9 इंच रखा है। ये एक से हमने बड़ा ही बनाया है, 2-2.5 साल से ये बच्चों में आ जाएगा। हमने 2 साल से के बच्चे के लिए इसको बनाया है, तो 1 से 2 साल के बच्चों के में ये आसानी से आ जाएगा। और दोस्तों, इसकी लंबाई पूरी होने पे हमने इसमें फंदे घटाए हैं, जो कि हमने यहाँ पे 5, 2 और 1 केवल फंदे बनाए हैं, घटाए हैं, यानी कि 8 फंदे हमने इधर घटाया है और 8 फंदे हमने इधर घटाया है। और हमने इसमें ये जो हमारा आस्तीन जब बनने के बाद, ये जो हमने गला का इसमें ये डिजाइन दिया है, और इसमें हमने कंधे पे जो हमने फंदे रखा है वो 20 फंदे हैं। और 20 फंदे रखने के दोनों तरफ हमने 20-20 फंदे रखे हैं, और बाकी फंदे हमने बीच में घटा दिया है, यानी कि 4 सिलाई 6 सिलाई के बाद हमने एक तरफ के बिन के और एक तरफ का फंदा घटा के इस तरफ के कंधे को बनाना है। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा पीछे का है, तो वो तैयार हो गया है। अब आगे का भाग मैं बताऊँगी कि वो किस तरीके से बना है। दोस्तों, ये आगे का भाग है। तो इसमें हमने जैसे कहा कि इसमें 75 फंदे और 2 फंदा एक्स्ट्रा हमने रखा है, वो इसमें आगे हमने क्या रख कितना रह, इसमें 42 फंदे रखे हैं, जिसमें कि 35 फंदों में ये हमारा डिजाइन बना है, और 7 फंदे हमने बॉर्डर के लिए रखे हैं। और सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हमने पीछे फंदों को कटाया है, 5, 2 और 1 केवल 8 फंदे उसी तरीके से हमने घटाया है। और कुछ दूरी के बाद हमने इसमें भी उसी तरीके से यहाँ पे 5, 2, 1 करके इधर भी हमने इस गले को गुलाई दिया है, ये गोल गला है। तो इस तरीके से ये हमारा दूसरा पार्ट तैयार हो गया एक साइड का। अब मैं इसके ऊपर वाला आगे वाला पार्ट्स आपको दिखाती हूँ। तीसरा पार्ट्स हमारा ये है, इसमें भी उतना ही फंदा है, यानी कि 7 फंदे इसमें और 35 फंदे हमने इधर रखा है। जिस तरीके से इधर हमने फंदे घटाया है, सेम उसी तरीके से इसमें फंदे घटाना है। और इसकी ये जो पट्टी गई है, इसे हमें बुनना नहीं है। जहाँ पे हमने फंदे घटाए हैं यहाँ पे, वहाँ पे इसके 7 फंदों को रख लेना है, क्योंकि यहीं से हमें गला बनाना है। तो ये हमारे 3 पार्ट्स आगे के तैयार हो गए। अब आइए हाथ पे आते हैं कि इसके हैंड्स किस तरीके से बनेगा। तो दोस्तों, उसके लिए हमने उसका भी ये तैयार कर लिया है आस्तीन। तो इसमें हमने 35 फंदे रखे हैं। 35 फंदे रखने के बाद हमने इसमें बॉर्डर नहीं दिया, इसी डिज़ाइन पर इसको हमने तैयार किया है। तो यहाँ से ये हमारी, यानी कि 10-20 लाइन बनाने के बाद, हर चौथी लाइन में एक एक फंदा किनारे से हम बढ़ाते जाएंगे दोनों तरफ से। हर चौथी सिलाई यानी 5-4 सिलाई बुनने के बाद हमें एक एक फंदा घटाना है। ये 35 फंदे जो हैं हमारे, यहाँ पे 55 फंदे आ जाएंगे, यानी कि हमें यहाँ पे 55 फंदे ले आने हैं। और जिस तरीके से हमने यहाँ पे 5, 2, 1 करके 8 फंदे घटाया है, उसी तरीके से इधर भी हमें फंदों को घटाना है। और एक एक फंदा हम घटाते गए हैं इसकी लंबाई को बढ़ाने के लिए। और इस तरीके से ये हमारा दूसरा हाथ भी, ये फर्स्ट हाथ और ये दूसरा हाथ हमारा तैयार हो गया है। ये हम सारे इसको कंप्लीट करके, इसके गले को बना के, इसकी सिलाई करके अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन बेल को ज़रूर दबाएँ, और स्वेटर को बनाने के लिए हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि इस प्यारा सा बेबी स्वेटर को आप आसानी से बना सकें। थैंक यू, धन्यवाद।